नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सी जी पी एस सी में। आज हम लोग जो एएसआई का एडमिट कार्ड आया है ना, तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि भैया मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, एडमिट बहुत सारे मैसेज आए, तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक छोटा सा वीडियो रहेगा, उम्मीद है पसंद आएगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह आने वाले हैं जितने भी क्लास उसको भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते। देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, कैप्शन में जो भी लिखा है उसको आपको पुट करना है, फिर लॉगिन करना है। तो आप सबसे पहले गलती क्या कर रहे हैं उसको आप देखिएगा। जब आपके पास जब आपका फिजिकल का मापदंड हुआ था, शारीरिक मापदंड, तो आपको ये वाला प्रवेश पत्र मिला होगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है 127 से 188, मतलब ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन आप यही गलती कर रहे हो कि आप ये वाला डाटा को मेंशन कर रहे हो, क्योंकि अगर ये वाला आप जैसे मेंशन करोगे या ओल्ड वाला करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला भाई। आपका सीधा लिखाएगा अपात्र ठीक फॉर्म, मतलब उसमें इंग्लिश में लिखा क्या है, इनवैलिड क्रेडिबिलिटी, इनवैलिड वैलिड लिखा रहा होगा, क्रेडिबिलिटी ठीक, मतलब अवैध पत्र या प्रपत्र ऐसा कुछ लिखा रहा है। तो भाई आप जो मेंशन कर रहे हो ना बिल्कुल गलत है। तो आपको कहाँ जाना है, कौन सा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, उसको रखेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। या फिर आप मान लो आप भूल गए तब क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सपोज आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर भूल गए हैं, तो जो 100 बताया ना, 144 170 जो भी दिया हुआ है आपके, जो फिजिकल के दौरान आपको मिला था एडमिट कार्ड, तो उसको यहाँ पर बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लगाना है यहाँ पर, जैसे 12/9/1995 मैंने लगाया। कैप्शन लगाना, जैसे कैप्शन लगाएंगे ना तो एक आपको फॉरगेट ऑप्शन का एक विकल्प दिख रहा है, जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे ना तो आपको क्या करेंगे, जैसे उसमें फॉरगेट ऑप्शन में डाले अपना डेट ऑफ बर्थ डाले ठीक कैप्शन डाले, तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा जिसमें मोबाइल नंबर दिया है और डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे आप मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ इसमें मेंशन करेंगे और यहाँ पर आप विकल्प चुनेंगे जो लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा ये वाला ना ठीक, पुलिस रिक्रूटमेंट प्रीलिम्स एग्जाम 2022, तो जैसे आप करेंगे ना तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आपको एक आपको आईडी मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, और कैसा होगा उसको भी एक बार देख लीजिए। वो कुछ जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आईडी, वो PRPE उसके बाद 2222004458 फिर उसके बाद 1390, तो ऐसा जो आएगा ना दोस्तों, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको वहाँ पर मेंशन करिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, तो डायरेक्टली आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल घबराना, सर्वर के कारण थोड़ा नेट में इशू हो रहा होगा, तो कृपया करके ना थोड़ा धैर्य रखें। आप 2 से 3 दिन आपके पास अभी समय है, आप कर लीजिए, और ये मत सोचिएगा कि भाई व्यापम को फ़ोन करा जाए कि हमारा हम तो अवैध दिखा रहे, तो आप अवैध नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर के भूल के कारण ही गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था इसलिए वीडियो बनाए, उम्मीद है समझ चुके होंगे, और इस प्रकार हम इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।